छात्रा अपने सहपाठी सार्थक, यमन और अदिति एक कविता के माध्यम से भारत के उन तमाम सपूतों को नमन करना चाहते हैं जिनके बलिदान के कारण आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी कविता का शीर्षक है पूर्वजों ने खून से गाथा लिखी। बड़ी मुश्किल से आज़ादी हमें हासिल हुई है, पूर्वजों ने खून से गाथा लिखी थी। आददाई शत्रु ने जब राष्ट्र का शोषण किया था, मनुष्य को पशु मान कर अधिकार से वंचित किया था। विद्रोह की लोलपट घर घर चली थी, पूर्वजों ने खून से गाथा लिखी थी। झांसी के उस राज्य को लेने की चाले चल गई थी, अपनी भूमि के लिए बस पापियों से ठन गई थी। खड़क ले लक्ष्मी तुरंत दुर्गा बनी थी, पूर्वजों ने खून से गाथा लिखी थी। गोखले नो रोजी मेहता राज्य चाहते शांति से थे, और मांगों के लिए वे लड़ रहे थे नम्रता से। लाजपत के शीश पर भी लाठी पड़ी थी, पूर्वजों ने खून से गाथा लिखी थी। राजगुरु सुख ओ बटुक ने मातृभू की कसम खाई, भगत और आजाद ने भी क्रांति की अग्नि बढ़ाई। देशभक्तों के गले फांसी लगी थी, पूर्वजों ने खून से गाथा लिखी थी। सुभाष के मन में लगन थी फौज आगे बढ़ रही थी, फिरंगी को भगाने की पूर्ण कोशिश चल रही थी। बोस के भी जोश से सत्ता हिली थी, पूर्वजों ने खून से गाथा लिखी थी। देश के प्यारे थे नेता नेहरू और गांधी, अहिंसा सत्य के बल पर दिलाई जिन्हें आजादी। काराघरों की जिंदगी हंसकर चुनी थी, पूर्वजों ने खून से गाथा लिखी थी। देशभक्तों को सदा से त्याग ही करना पड़ा है, देश की रक्षा के खातिर चाहे सिर धर जा गिरा। आज उनकी याद में हर श्वास महल की लिली है, पूर्वजों ने खून से गाथा लिखी।